दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ Ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि VGA या फिर जो DSub डिस्प्ले स्टैंडर्ड है वो क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी हमारे पास CPU हो, हमारे पास DVD बॉक्स हो या कोई भी TV बॉक्स हो, DVD प्लेयर हो, गेम कंसोल हो, उसके ज़रिए उससे जो हमने वीडियो सिग्नल्स अपनी डिस्प्ले मशीन या डिस्प्ले फ्लैट स्क्रीन या मॉनिटर तक पहुंचाने होते हैं उसके लिए हम कोई केबल यूज़ करते हैं। और उन स्टैंडर्ड्स में बेसिकली हमारे पास सबसे पुराना स्टैंडर्ड VGA का स्टैंडर्ड है। इसके अलावा हमारे पास DVD-I पोर्ट्स होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास HDMI 1.4, HDMI 2.2 और डिस्प्ले पोर्ट्स होती हैं, और इन्हीं के मिनी वर्जन्स और माइक्रो वर्जन्स भी हमारे पास होते हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल का फोकस रहेगा VGA के ऊपर डिस्कशन। VGA स्टैंडर्ड काफ़ी पुराना स्टैंडर्ड है और ये एनालॉग स्टैंडर्ड है इन कंपेरिजन टू आपका जो HDMI हो गया या डिस्प्ले पोर्ट स्टैंडर्ड हो गई। तो इसका मीनिंग ये है कि VGA के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान। फ़ायदे क्या हैं कि लेट सपोज जो हमारे पास पुराना इक्विपमेंट है, पुराने फ्लैट स्क्रीन मोनीटर्स हैं, CRT मोनीटर्स हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्टर्स हैं, उनके साथ अगर हमने अपने लैपटॉप को अटैच करना है, अपने टैबलेट को अटैच करना है, अपने कंप्यूटर को अटैच करना है, तो उसके लिए फिर हम VGA स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं और करते थे। अब यह है कि VGA स्टैंडर्ड कम होता जा रहा है क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले ये है कि देखें, ये एक एनालॉग स्टैंडर्ड है VGA का डिस्प्ले के लिए। तो अगर आपकी केबल लेंथ बड़ी जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही जो है सिग्नल डिग्रेड होता जाएगा। यानी कि अगर आपने 20 मीटर की लंबी केबल लगा ली है तो आपका जो डिस्प्ले नज़र आएगा वो आपको ब्लर ही नज़र आएगा। तो एक तो केबल लेंथ के ऊपर इसकी डिपेंड करता है कि ये किस तरह का डिस्प्ले करता है। इसके अलावा वायर गेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि कौन सी गेज की वायर आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी फिर इमेज क्वालिटी ऊपर नीचे होती है। उसके साथ साथ क्योंकि ये आज हमारे पास जो है एनालॉग स्टैंडर्ड है, और अब जो हमारे पास डिजिटल फ्लैट स्क्रीन्स आ गए हैं जो डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं, तो जब कन्वर्जन होती है एनालॉग टू डिजिटल तो भी आपके इमेज क्वालिटी गिर जाती है। जो VGA या DSub की दिखाने की क्वालिटी है वो मैक्सिमम अराउंड 3 मेगापिक्सल्स के ऊपर ये दिखा सकता है एट 85 हर्ट्ज़ के ऊपर मैक्स। ठीक है जी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 2048x1536। जो डायमेंशंस होती हैं मॉनिटर की उसके ऊपर ये मैक्स उस रेजोल्यूशन के ऊपर दिखा सकता है। आजकल जो है हमने VGA का, आपने जो इक्विपमेंट देखा होगा उसमें देखा होगा कि अगर आप नया इक्विपमेंट लेते हैं तो उसमें ज़्यादातर HDMI या डिस्प्ले पोर्ट्स लगी होती हैं, और क्योंकि VGA पुराना स्टैंडर्ड हो चुका है तो वो जो हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स हैं, पुराने अगर हम रिफर्बिश कंप्यूटर लेते हैं, CRTs लेते हैं या फिर पुराने फ्लैट स्क्रीन डिस्प्लेस लेते हैं, तो उसमें हमारे पास VGA लगेगा। और कई दफ़ा ये भी होता है कि एक साइड पे हमारे पास जो फ्लैट स्क्रीन है उनके एक साइड पे हमारे पास DVI केबल, DVI पोर्ट है, और दूसरी साइड पे हमारे पास फिर डिस्प्ले पोर्ट में जो कंप्यूटर के अंदर जाता है वो डिस्प्ले पोर्ट के अंदर जाता है, और जो मॉनिटर के अंदर चीज जाती है वो DVI पोर्ट जाती है। और इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है उसे क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। DVI पोर्ट के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका VGA या DSub डिस्प्ले पोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये जो है आप देखें कि ये मेल पोर्ट है, जिस तरह आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इसके डंडे निकले हुए हैं, और
दूसरी जो जिसके अंदर ये जाती हैं सुइयाँ वो फीमेल पोर्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर वो जाती है तो उसको हम फीमेल पोर्ट कहते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर ट्यूटोरियल आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, और हो सके तो इस ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर और ऐप्स के ऊपर ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।